नमस्कार दोस्तों, हम है अभी संगीता चटर्जी के इंडोर गार्डन में। घर के अंदर खिड़की में जो ग्रिल है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे हैंगिंग बास्केट्स में ये पौधे लगा रखे हैं। ये काफ़ी सारे कैक्टस है और यहाँ पे तरह तरह के कैक्टस और यूफोरबिया है और यहाँ पर काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स है। ये जो है मानकी टेल कैक्टस है और तरह तरह के और भी पौधे हम देख रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत बना रखा है उन्होंने अंदर से। और ये पौधा एक नया पौधा दिख रहा है यहाँ पर, होया है, ये होया का ये पौधा है। इसके काफ़ी लताएं निकलती है इसकी और तरह तरह की ब्रांचिंग होती है। और ये देखते हैं आगे आगे चल के क्या क्या है। यहाँ पर इन्होंने डिजाइन दिखा रहे हैं कि कौन से पौधे में किस तरह के फूल आते हैं, कौन से तरह के पौधे का डिजाइन होता है। और इधर देखते हैं कुछ और भी प्लांट्स हमारे यहाँ दिखते हैं और नए नए तरह के काफ़ी सारे नए नए पौधे हैं और इस तरह के काफ़ी सारे प्लांट्स उन्होंने दिखाया हमें। और ये भी होया का प्लांट है और इस तरह के ये बल्ब्स होते हैं उसमें। और इधर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे नए नए, और ये तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। और इधर पीछे आप देख रहे हैं होया है, होया का पौधा है ये। और आप आगे चल के देखते हैं क्रिस्टमास कैक्टस भी हमें दिख रहा है। और दूसरे खिड़की की तरफ जाते हैं हम, देखते हैं क्या रुख करते हैं। ये सेक्शन बहुत ही खूबसूरत है और ये देख रहे हैं काफ़ी ब्रोमोलियट्स दिख रहे हैं ये यहाँ पर। और ये क्रिप्टेंथस है और पीछे कुछ स्ट्रॉबेरी लगी हुई है पौधे में, गमले में काफ़ी खूबसूरत कुछ लाल रंग की स्ट्रॉबेरी है। नीचे हमारे पास ये देखिए कुछ काफ़ी काफ़ी ब्लू कलर के व्हाइट कलर के फूल आते हैं इसमें। और ये खूबसूरती अलग ही है इनकी जो गार्डन है। ये कुछ फर्न्स है इसका जो अलग ही तरह के फर्न्स है, तरह तरह के फर्न्स है यहाँ पर। और ये फूल के पौधा है, इंडोर प्लांट्स में काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं इसका। और इधर आप देखते हैं ये ब्रोमोलियट्स है, ब्रोमोलियट्स भी इनके पास काफ़ी कलर के ब्रोमोलियट्स हैं, कुछ क्रिप्टेंथस हैं और ये और बिगोनिया है। और इधर आप देख रहे हैं कुछ अलग ही पौधे हैं और इधर ये एयर प्लांट है। और नीचे जो देख रहे हैं लाइकोपोडियम है और कुछ कुलियस भी दिख रहे हैं और कुछ तरह के लाइकोपोडियम और हैंगिंग में काफ़ी सारे कुलियस है। ये कुछ अलग ही अलग तरह के पौधे हैं, सब तरह के पौधे के मुझे नाम नहीं पता और इनको भी नहीं पता पूरा पता, लेकिन काफ़ी सारे उन्होंने बताया नाम। और ये एक फर्न है और ये फर्न काफ़ी खूबसूरत फर्न दिखता है ये यहाँ पर, और इसको स्टैग हॉर्न फर्न कहते हैं। और ये जो ब्रांच है, ब्रांच की जो पेड़ की जो ब्रांचेस है उसकी से लगी रहती है, उसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और उसको आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी पुरानी टहनी हो उसमें उसको लगा के उसको ग्रो कर सकते हैं, उसमें नए नए बेबी प्लांट आएंगे उसको उस फर्न को आप लगा सकते हैं। और कुछ स्ट्रिंग और पल्स है, बनाना पल्स है तरह तरह के। और इस तरह से कुछ और भी नए नए पौधे हैं, कुछ ब्रोमोलियाड्स दिख रहे हैं, ये काफ़ी खूबसूरत ब्रोमोलियाड है। और पीछे काफ़ी सारे साकुलेंट है, साकुलेंट के बहुत खूबसूरत कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत। ये कुछ नए नए टाइप के प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। और ये बनाना प्लांट्स है, कुछ काफ़ी सारे बनाना साकुलेंट्स है। और इधर कुछ कैक्टस और सैकुलेंट्स हैं, तरह तरह के सैकुलेंट्स हैं, कुछ अलग अलग तरह के कैक्टस दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और सैकुलेंट की तो वैरायटी कहिए मत, इतनी तरह के सैकुलेंट इनके पास है। और ये सारे मेंटेन कर रखे हैं इन्होंने, इस तरह के जो पॉट्स होते हैं उसमें लगा रखे हैं इनको। और ये मेंटेन भी करती है काफ़ी खूबसूरत। और ये पौधा निकाल के दिखा रही है, इसमें फूल भी आया था कुछ दिन पहले। और तरह तरह के इस तरह से ब्रांचेस निकलते हैं और ये खुद प्रोपागेट कर लेती हैं इसको आसानी से, और वो उसको ब्रांचेस करते हैं। कुछ टॉप्सी के पौधे हमें दिख रहे हैं पीछे, टॉप्सी की ये पौधे हैं बहुत ही खूबसूरत। और ये देख रहे हैं आप, एक दो सैकुलेंट इस तरह से ला के लगा देंगे तो 3 4 महीने 6 महीने में इसमें से काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकल आएंगे और उससे काफ़ी पौधे आपको ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ यूफोरबिया है और शानदार यूफोरबिया और कुछ स्टैगहॉर्न, कुछ फर्न्स और तरह तरह के पौधे। ये कुछ मनी प्लांट्स है कुछ यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत कुछ सिंगोनियम दिख रहे हैं पीछे। सिंगोनियम के भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन इनके पास है और देखने लायक। इधर से जो गार्डन है इधर देखते हैं इसमें क्या क्या है। और इसमें हम देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत प्लांट्स है, काफ़ी तरह तरह के बहुत ही अच्छे उम्दा क्वालिटी के पौधे इनके पास है। डेकोरेशन भी इतना अच्छा अच्छा डेकोरेशन कर रखी है इनको, और डेकोरेशन की भी आइडिया इनकी काफ़ी अच्छी है। तो इधर चलते हैं, उन्होंने दिखाया कि दूसरी खिड़की में और तीसरी खिड़की में और भी, ये भी खिड़की देखिए इसमें काफ़ी सारे पौधे यहाँ पर, क्रिप्टेंथस, ब्रोमेलियट्स, तरह तरह के फर्न्स, तरह तरह के फर्न्स लगा रखे हैं। 8 10 कलर वैरायटी में फर्न्स है इनके पास वैरायटी में, और फर्न्स भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ में है, काफ़ी अच्छे ग्रीनरी है इनके पास ये खिड़की में। और इस तरह के पौधे हैं
और ये भी देखिए कुछ यहाँ पर लिली भी लगाए उन्होंने, लिली भी काफ़ी अच्छे फूल आते हैं। तो ये है संगीता चटर्जी का इंडोर प्लांट गार्डन, काफ़ी खूबसूरत। और हम चलते हैं थोड़ी।